नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह तो आप जानते ही होंगे कि कई बार गलती से हमारा हाथ बिजली के संपर्क में आते हैं तो हमें ज़ोर से झटका लगता है। और आप यह भी जानते हैं कि चिड़िया बिजली के तार पर अगर बैठी रहती है तो उसको कभी करंट नहीं लगता। आप देखते होंगे सामान्य तौर पर कहीं भी, लेकिन उसे करंट नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, ये तो मैं आपको बताऊंगा। इससे बताने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि करंट होता क्या है। करंट वास्तव में एक इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। ये कुछ सिद्धांतों पर कार्य करता है। हमारे घरों के उपकरण लगे होते हैं, जो मतलब कि स्विच हो गया, बोर्ड हो गया, जो काम में लेते हैं, वास्तव में जो उसका जो करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह से होता है। समझ रहे दोस्तों? जब आप इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा जब उसमें, तो उसमें धारा बहेगी तो ही अपने को बिजली अवेलेबल होती है। दोस्तों, आपको यह भी पता बता देते हैं कि करंट हमेशा कम बाधा से वाले मार्ग से ज़्यादा प्रभाव में चलता है, यानी कम इसकी जो बाधा होती है उससे तो हाई लेवल में चलता है, जहाँ उसको जगह मिलती है। कम बाधा से अगर हाई लेवल में चलता है, वक्त जब किसी अन्य वस्तु को संपर्क में आए बिना बिजली के तारों को छूता है, अगर कोई व्यक्ति जैसे कोई व्यक्ति अगर बिना संपर्क तारों के संपर्क में आए हुए कहीं बिजली के तार को छू दिया, टच कर दिया, तो उसे करंट का प्रवाह नहीं होता। अगर जैसे जैसे ही जैसे चिड़िया ऊपर तार पर बैठी रहती है, ओनली एक सिंगल तार पर बैठी रहती है, तो क्या होता है कि ये बिजली के जो अन्य बिजली के तारों के जो अन्य उपकरण होते हैं उसके संपर्क में नहीं आती। ओनली वो एक सिंगल फेस पे बैठी होती है, न्यूट्रल पे बैठी होती है, उसमें करंट का प्रवाह नहीं होता। मतलब जब बैठा होता है ना, तब उसमें प्रवाह होता है, लेकिन जब मतलब कि एक तो अपन एक तो फेस और न्यूट्रल, मतलब कि जब सर्किट कंप्लीट होता है तभी करंट लगने का चांस रहता है। समझ रहे दोस्तों? जब सर्किट कंप्लीट होगा तो ही करंट लगता है। अगर अपन एक तार को जैसे मान लो न्यूट्रल को अपने छू लिया, ठीक है, अपन को फेस नहीं मिल रहा तो अपन करंट नहीं लगेगा, ठीक है। अगर हमने फेस को छू लिया, ओनली एक फेस तार को, अगर अपन चाहेंगे कि भाई छू लिया, अगर जब तक हम किसी भी न्यूट्रल से संबंधित किसी तार को नहीं छूएंगे तो हमें करंट नहीं लगेगा। अदरवाइज अगर आप न्यूट्रल को छूते हो, इसके साथ कहीं इसको अर्थ मिल गया, कहीं कुछ इसको लीकेज करंट मिल गया, तो क्या होगा कि वो आपको करंट मार देगा। समझ रहे हो दोस्तों? जब व्यक्ति किसी भी तार को छूता है तो उसे अगर न्यूट्रल फेस अगर दोनों टच करता है तो क्या होता है, उसका सर्किट होना जो कंप्लीट हो जाता है, मतलब कि सर्किट उसको अपना सर्किट जो होता है वो पूर्ण कर लेता है, उसमें धारा बहने लग जाती है, उसी वजह से अपन को करंट लगते हैं लगता है दोस्तों। अगर दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और आगे भी अपने दोस्तों को भेजें, तो उन्हें भी थोड़ा पता लगे कि वास्तव में करंट क्यों लगता है और किस। नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं आप SK इलेक्ट्रिकल चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का चिन्ह दबाइए और लाइक भी कर दीजिए।